देखा जाए तो यहाँ पर आमदार और खासदार दोनों आपके सत्ताधारी हैं, और शहर की जो हालात है उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? काफी समय लगा आपको यहाँ पर आने में। आबादी भी बढ़ रही है, इसके बाद कोशिश हम करेंगे कि इसके बाद जब आए तो अच्छे रेट अच्छे होने चाहिए। अपने महाराष्ट्र की तरफ से आएंगे जब आए उन्होंने मुंबई के जो स्थल पर जिन्होंने बनाए, आज मुंबई नागपुर एक्सप्रेस बन रहा है, मुंबई पुणे एक्सप्रेस बन रहा है, जैसे कोल्हापुर के लिए एक्सप्रेस बन रहा है, ऐसे हर जगह पर जो छोटे छोटे शहरों के अंदर भी रस्तों में बड़े काम कर रहे हैं। रस्तगी का मैंने बात किया रस्ते का काम चल रहा है, तो कोशिश करेंगे कि रस्ते अच्छे होने चाहिए हर जगह। हाँ सर, देखा जाए ऐसे में आज जो पूरे आज देश में कई ऐसे इलाकों में बाढ़ पीड़ित से ज़्यादा लोग वंचित हैं, यहाँ पर भिवंडी शहर में भी बहुत से इलाकों में पानी भरा, कोल्हापुर सांगली में, ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे? मदद कार्य के लिए देखा जाए तो मुख्यमंत्री रिलीफ फंड में लोग मदद तो कर ही रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे, क्या आह्वान करना चाहेंगे? मैं कल ही रात को कोल्हापुर से आया और आसमान से बारिश हुई और लोगों को वहाँ पे सरकार से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने सरकार के माध्यम से कल हॉस्पिटल कलेक्टर हमारे कलेक्टर ने 5,000 रुपये कैश को देना शुरू किए, 10,000 रुपये उनके अकाउंट में लाना शुरू किए, फिर सर्वे शुरू हो गया कि घर पूरा बह गया, उसका घर कैसा पुनर्वसन होगा, कैसा उसका घर वापस जगह बनेगा, उस सारी चीज़ों को सरकार का पूरा ध्यान है। ज़्यादा से ज़्यादा मैं बड़ी बड़ी NGOs को मैं धन्यवाद दूंगा, हाजी अली ट्रस्ट, माहिम ट्रस्ट, बड़ी बड़ी तंजीमें, सिद्धि विनायक ट्रस्ट, ऐसे ट्रस्ट लोगों ने भी भिवंडी, उमरा, मालेगांव, महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्से से अपने मुस्लिम समाज के भी लोगों ने बड़े पैमाने पर मदद वहाँ पहुँचाई। एक बड़ी बात है कि एक हमारा देश में कोई भी आफत आती है तो जात पात को बाजू में रख के एक हो जाते हैं और एक दूसरे की मदद के लिए खड़े हो जाते हैं। वहाँ पे इतना मिसाल की एक बहुत बड़ी दरगाह है, वहाँ पे उस दरगाह के अंदर ईद के पहले जब मामला जब आया इस तरीके की घटना घटी, सब के सब हिंदू समाज के लोग, हमारी बहनें जाके दरगाह के अंदर मीरज के दरगाह में जाके उन्होंने बना ली, लोगों ने अपने इमाम ने हमारे वहाँ के सिख के मुजावर ने उन्होंने उनको 7-8 दिन खाना और सब इंतजाम किया। कई मुस्लिम बहनें और हमारे लोग फंसे हुए थे तो हिंदू भाई ने अंदर हाथकड़ी पर लेके जाके बहनों को ऊपर बिठा कर 3-3, 2-2 किलोमीटर बाहर लेके आके छोड़ा। तो ये हिंदुस्तान, मैं इसके अंदर जब बिलीव करता हूँ कि हमको यकीन है कि ये संतों का देश है, महात्मा का देश है, ये गरीब नवाज का देश है, इसकी मिसाल है कि ऐसी कोई बात तो अपनी जात धर्म भूल कर इंसानियत के नाते सब लोग हेल्प के लिए आते, ये एक बड़ी बात है। अल्लाह ना करे ऐसी कोई आफत हमारे देश पे, हमारे स्टेट पे आए, और यही हम दुआ करते हैं जिस तरीके से आज उसे यहाँ पे इन्होंने बुलाया कि मैं चाहता हूँ हर बच्चे तरक्की करें, आगे बढ़े, इसलिए खासतौर पर इन्होंने एक नया व्यवसाय खोला जिसके उद्घाटन के माध्यम से यहाँ पे आया। जब कभी भी ये हरियाणा का शेख अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष बोलता हमेशा काम करता ही है, लेकिन पहले मैं कौन का एक नुमाइंदा हूँ और कौम के जब भी कोई बच्चे ने आवाज़ दिया हाजी अराफा शेख उसका भाई बनकर उसके साथ हमेशा काम किया। यही आशा अल्पसंख्यक की बात की जाए तो भिवंडी शहर अल्पसंख्यक से भरा हुआ है, सत्ता आपकी है, ऐसे में भिवंडी शहर के लिए कोई ऐसी नीति या कोई भी ऐसा बदलाव की तरफ? मैंने कल ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने वेबसाइट का हमने उद्घाटन किया, पिछले कुछ दिनों पहले मैंने विनोद तावड़े जी के पास प्रस्ताव रखा था कि अल्पसंख्यक समाज की आयोग की वेबसाइट होनी चाहिए ताकि केंद्र सरकार की 18 योजना, राज्य सरकार की 21 योजना, ये सारी स्कीम हमारे समाज के लोगों तक जाना चाहिए, खासतौर पर अल्पसंख्यक समाज में मुस्लिम समाज बड़े पैमाने पे, उसमें बौद्ध समाज, क्रिश्चियन समाज, जैन समाज, ऐसे सब समाजों को मिलकर अल्पसंख्यक समाज बनता है। ये सारे समाजों को पता होना चाहिए आयोग क्या है, अल्पसंख्यक समाज की सरकार क्या योजना देती है, किस तरीके से योजना देती है, मौलाना आज़ाद के फंड्स कैसे मिले जाते हैं, कौन से योजना हमारी सरकार दे रही है, MSP के माध्यम से
पहले 35 तबके के ऊपर एमएसडीपी मिला था, अल्पसंख्यक जब मुस्लिम वोट भाग हुए तो वहाँ पे ये सारी योजना का लाभ मिलता था। जब प्राइम मिनिस्टर के पास प्रस्ताव गया कि कई कई जगह पे अल्पसंख्यक यानी मुस्लिम समाज के लोग कम है तो उसको 25% पे लेके आए ताकि 25% भी अगर लोग होंगे तो वहाँ उनको सारी सुविधा मिलेगी। तो यही इसी को कहते हैं सबका साथ सबका विकास। और जो सरकार करती है वही मैं बोलता हूँ ना, ऊपर नहीं से कोशिश रहती है कि मैं अल्लाह से हर नमाज की दुआ करता, अल्लाह मेरा ईमान ताज़ा रखे, जहाँ जहाँ मैं मेरे कौम के लोगों से वादे कर रहा हूँ उसको कायम और दायम रहने को रहने वाला बना, यही मेरी दुआ रहती है। कोशिश कर रहा हूँ कि आज इस पोस्ट पे अहदे पे आने के बाद मैं मेरे समाज का ज़्यादा से ज़्यादा भला कर सकूँ, ज़्यादा अच्छा कर सकूँ। मेरे कौम के बच्चे उनका मुस्तकबिल अच्छा हो, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे डॉक्टर बने, वकील बने, इंजीनियर बने, उनका मुस्तकबिल अच्छा हो। और सरकार से जितनी भी योजना है वो ये आयोग के माध्यम से मैं में मंदी चल रही है, सब जगह हालतें ख़राब है, सबकी नौकरियां जा रही है। मैं भी एक सेल्स पर्सन था, अभी फिर भी काम कर रहा हूँ, तो हालात थोड़े गंभीर थे। मैं सोचा खुद का एक बिज़नेस डालूँ, तो हाजी भाई से बात हुई उसके रिगार्डिंग ओपनिंग के लिए। तो हाजी भाई बोले ठीक है मैं आता हूँ, और तुम खुद का बिज़नेस चालू करो तो हम तुम्हारे साथ हैं। उनकी दुआएं साथ थी इसलिए आज वहाँ पर आए और उन्होंने ओपनिंग करके गई। और हमने इस मेरे बड़े भाई इस्माइल भाई को बुलाया था, वो भी आया, हमें बहुत अच्छा लगा। बस इतने में यहाँ पर हर ब्रांड की आपको गाड़ी मिलेगी, होंडा, हीरो होंडा, सुजुकी, TVS, बजाज, यामा, रॉयल इनफ्लेट, बुलेट, इवन जिसको स्पोर्ट्स बाइक भी चाहिए लाइक BMW, आयाबुसा।